हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ ये वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। माई सेल्फ इज़ कुनाल सर, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसमें डाउट लग रहा है देन यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, सो लेट्स सी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमको अभी हम कम्पिटिटिव लेवल रिवीजन लेक्चर मैंने आज रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूक्लियस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस में हम लोगों को क्या क्या थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है। सी, दिस लेक्चर इज टोटली डेडिकेटेड फॉर कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन, सो हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसका एटॉमिक मास नंबर, ओके सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम हो। ओके, टू एलिमेंट्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उसे बोलते हैं आइसोटोप। ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, सी ये वन, यहाँ पे टू एंड यहाँ पे थ्री है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इन दिस केस द मास नंबर इज डिफरेंट। ओके, ऊपर जो वाले जो नंबर होते हैं दे इंडिकेट्स मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट है बट इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। एटॉमिक नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखना, दिस ऑल्सो इज कॉल्ड जेड। ओके, जेड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर को इंडिकेट ए से भी किया जाता है। ओके, सो इफ अगर ए डिफरेंट हो एंड जेड सेम हो देन दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। आगे देखते हैं, क्लोरीन में भी देखिए 17 एंड 17, इन दिस केस द जेड आर सेम बट ए आर डिफरेंट। सिमिलरली वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ यूरेनियम, हीलियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? द न्यूक्लियस विच आर न्यूक्लियाई विच आर हैविंग सेम नंबर, ओके मास नंबर सेम हो, मास नंबर यानी ए सेम होना चाहिए बट जेड सबका डिफरेंट होना चाहिए, दोज आर कॉल्ड आइसोबार्स। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स के नंबर सेम नहीं होंगे। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? वन। यहाँ पे है प्रोटॉन का नंबर टू बट यहाँ पे ये जो है थ्री, दैट इज कॉल्ड ए। ए को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास नंबर। यहाँ पे इन दोनों का मास नंबर सेम है, तो अगर मास नंबर सेम हो बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो देन दे आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे भी देखिए, सी 14 एंड 14, ये दोनों सेम ही है। वी कैन से ए आर सेम बट इन दिस केस दिस इज 6 एंड दिस इज 7, बोथ आर डिफरेंट। सिमिलरली वी हैव एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है? सी ये जो दिख रहे हैं ना नंबर, इसमें क्या सेम लग रहा है तुम लोगों को? ओके, कुछ सेम जैसा नहीं लग रहा। सी दिस बेरिलियम, दिस इज बोरॉन, ये केमिकल फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, ऊपर वाला नंबर भी डिफरेंट है, नीचे वाला भी नंबर डिफरेंट है, बट इन दोनों में सिमिलरिटी ये है, अगर मैं 9 में से 4 को माइनस कर दूँ तो आई विल गेट आंसर टू बी 5, और सिमिलरली 10 माइनस 5 करेंगे तो भी क्या मिलेगा? आई विल गेट आंसर टू बी 5। इट मीन्स अगर ये दिस इज ए और ये नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? जेड। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, दिस इज एक्स, यहाँ पे उस ए बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जेड। सो ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल होता है उसी को बोलते हैं ए, एंड जेड इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, एन प्लस जेड माइनस जेड, इट विल गिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो सी इन दोनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, सब कुछ अलग अलग लग रहा है बट 13 माइनस 6 कितना होगा? इट विल बी 7, और 14 माइनस 7 भी कितना होता है? 7। सो वी कैन से इन दिस केस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। तो अगर दो केमिकल्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो देन दे आर से टू बी आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इन सब में से आप लोग ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करो, दैट इज ए माइनस जेड करो, तो सबका सेम मिलने वाला है। सो इन दिस केस दिस एलिमेंट्स आर सेड टू बी आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर रेडियस। ओके, न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर जीरो ए रेस टू 1/3। ओके, कैसे आया था फॉर्मूला? तो आपको शायद पता होगा, टेक्स्ट बुक में ये दिया था दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सेज दैट द रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1/3। ठीक है, ए रेस टू 1/3 के साथ प्रोपोर्शन में होता है रेडियस। फॉर्मूला
कुछ इस तरह से बनता था, r इज प्रोपोर्शनल टू a रेज टू 1 बाय 3, वेयर r इज इक्वल टू r0 a रेज टू 1 बाय 3. r0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 इनटू 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, और वी कैन से 1.2 fm. कभी कभी न्यूमेरिकल्स को देख के आप लोग इसमें 1.1 इनटू 10 रेज टू माइनस 15 मीटर यानी कि 1.1 fm वैल्यू भी ले सकते हैं. ओके, सो दिस वाज न्यूक्लियर रेडियस. आप याद रखना, एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपको कुछ क्यूब रूट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. 1 to 6 के क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स आपको याद रखने हैं. जैसे 1 का क्यूब होता है 1, वो तो कुछ है ही नहीं, बट 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27 एंड सो ऑन. आपको ये 1 टू 6 याद रखने पड़ेंगे, सो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी. लेट्स सी नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स. ओके, न्यूक्लियर फोर्स किस टाइप का होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो ऊपर ऊपर से आपको मैं बता देता हूँ. न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत दूर दूर तक नहीं लगते हैं. दे डू नॉट एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 fm, और वी कैन से 10 रेज टू माइनस 15 मीटर. यानी 10 रेज टू माइनस 15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, ये तो आपको पता ही होगा. नंबर 3, देज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड कॉजेज स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं. दिस फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी याद रखना, ऐसा मत सोचना कभी भी कि ये प्रोटॉन है और ये दूसरा न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसके पास चार्ज है इसके पास चार्ज नहीं है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, बट न्यूक्लियर फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है. न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. ओके, आगे देखते हैं. न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल फोर्स. अब ये नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दिस इज सपोज अर्थ, ओके, एंड दिस इज सपोज मून. ओके, अर्थ और मून के बीच में अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना चाहे, देन ऑलवेज वी हैव टू टेक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, बट सेम इज नॉट द केस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स में अगर ये एक प्रोटॉन है और ये एक न्यूट्रॉन है, ओके, इन दोनों के बीच में जब फोर्स लगेगा, इट इज द डिस्टेंस इज नॉट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ठीक है. इसका सर्फेस इसके सर्फेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है, सो इन दिस केस वी कैन से द न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स. ओके, आगे देखते हैं. बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इफ डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी डेल्टा एम इन टू सी स्क्वायर. अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको. मान लो सम प्रोटॉन्स एंड सम न्यूट्रॉन्स, ओके, ये मर्ज हो जाके एक नया न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है. लेट दैट न्यूक्लियस इज सपोज हैविंग मास एम, सो इसका मास कितना होगा. मान लो कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, दे आर सपोज जेड, याद करो जेड को ही बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं सपोज एन, सो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, इट विल बी जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन का टोटल मास कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एन और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज एम एन, तो ये हो गया टोटल मास. और ये दोनों मर्ज होने से जो बनता है, इन दोनों को मर्ज होने से जो बनता है, दैट मास इज सपोज एम, बट प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट ये वाला जो मास है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, दिस मास इज लेस. मैंने लेक्चर में बताया हुआ है इसको एक एग्जांपल के साथ, जिसमें वो पोटैटोज लेने लड़का जाता है एंड उसका मास डिफेक्ट कुछ होता है, वे सब मैंने बताया हुआ है. कमेंट सेक्शन में लिखना तो मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है. राइट नाउ वी हैव नो टाइम फॉर दैट थिंग, अभी के लिए इतना याद रखो. अभी बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू ये जो मास डिफेक्ट आया, डेल्टा एम इन टू सी स्क्वायर, दैट इज जेड एम पी प्लस एन मैन ए माइनस जेड. याद रखना भाई, ए माइनस जेड है वही होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, एम एन इन टू एन माइनस ये टोटल मास ये वाला है, ओके, इसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. इसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल है, द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, चार ऑप्शन दिए हो यहाँ पे, द रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है. सी आप लोग पढ़ चुके हो पूरा चैप्टर, आप लोगों ने बोर्ड की एग्जाम भी दे दी है, आपको ये तो पता होना चाहिए. 931 तो आंसर होगा ही नहीं, क्यों, बिकॉज ये तो क्या होता है 1U, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूट्रॉन या 1 प्रोटॉन की रेस्ट एनर्जी 931 MeV होती है, ओके, तो 931 MeV पॉसिबल नहीं है. तो सिमिलरली 931 KeV भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये तो थोड़ा 1000 टाइम्स ही कम है. सो आंसर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एक टाई है, ठीक है, इन दोनों
में से कोई एक आंसर हो सकता है. सो लेट्स कैलकुलेट. कैलकुलेशन कैसे करेंगे, याद रखना बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. बट यहाँ पे मास डिफेक्ट जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही दिया हुआ है. तो हम लोग इक्वेशन लेंगे ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर. यहाँ पे मास किसका लेना है, मास वी हैव टू टेक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 इंटू सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, इट इज 3 इंटू 10 रेज टू 8 का स्क्वायर करना है हमको. ये जो आंसर आएगा ना वो होगा जूल में. ओके, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए दे आर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट्स वाई क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 करेंगे, तब जाके ये जूल वाला आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दैट गिव्स यहाँ पे 9.1 और ये 3, 3 का स्क्वायर लेके तो क्या आएगा, इट विल बी 9.1 इंटू 9 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू, ये जो है वो होगा 10 रेज टू माइनस 31, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 31. यहाँ पे 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 16, तो यहाँ पे प्लस 16. ओके, और ये माइनस 19 ऊपर आ गया तो हो जाएगा प्लस 19. सो फाइनली सी ये 99 था 81 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 1.6 जैसा कुछ कर दें, विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली टू बी 50. ओके, तो आंसर कैसा हो जाएगा, 50 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इनफैक्ट 50 से थोड़ा ज़्यादा इंटू 10 रेज टू माइनस 31 प्लस 16 प्लस 19 विल गिव 4. सो कुछ आंसर ऐसा हो जाएगा, इट विल बी 50 से थोड़ा ज़्यादा इंटू 10 कर देते हैं इंटू 10 रेज टू 3. 50 से थोड़ा ज़्यादा इंटू 10 क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 500 से थोड़ा ज़्यादा इंटू 10 रेज टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको बोलते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये 500 से थोड़ा ज़्यादा यानी वी कैन से इट विल बी 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो आंसर होगा ए. ओके, 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने अभी देखा वो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर से एक न्यूमेरिकल था. अब थियरी में थोड़ा आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए कर्व. एक्चुअली यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगी दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ओके, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर ए वर्सेस ए का कर्व. देखते सी वे कर्व कैसा होता है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ. जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है इट इज लाइक दिस, आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ. यहाँ पे होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ओके, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है. और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ओके, वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है. कुछ इस तरह से. ओके, ये वाला ग्राफ आपको याद रखना है. यहाँ पे ये जो पिक पॉइंट्स है ना, ये पिक पॉइंट्स में क्या होता है लिखा हुआ है, देखो सम न्यूक्लियाई विथ ए लेस देन 20 हैव लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर देन देयर नेबर न्यूक्लियाई. यानी ये वाला जो पिक पॉइंट है, देखो इनके नेबर के पास थोड़ी एनर्जी कम है. यहाँ पे भी ये वाला पिक पॉइंट उसके आजू बाजू वाले का थोड़ा कम है, वैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. सो ये वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे थोड़ा बहुत याद रख लेना. ओके, और याद रखने की टेक्निक है हिबिकोनी. क्या याद रखना है आपको, हिबिकोनी यानी ही बी को यानी सी एंड ओ, कोबाल्ट मत ले लेना, इट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन. नी यानी नियॉन. तो यहाँ पे आएगा हीलियम ही, यहाँ पे क्या लिखना है बेरिलियम बी ई, को यानी सी ओ और एनी. हाईएस्ट पीक पॉइंट पे कौन होता है हमेशा, इट इज एफ ई. एफ ई की याद रखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है. ओके, और एफ ई का नंबर कौन सा होता है, द नंबर ऑफ एफ ई इज 56. ओके, सो ये वाला ग्राफ याद रखना. हिबिकोनी भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. और ये जो ये है ना पीक वाले पॉइंट्स, ओके, वो पीक वाले पॉइंट्स लेस देन 20 यानी नियॉन से नियॉन तक, यानी ये नियॉन भी जो है वो 20 के अंदर ही आ जाता है. तो विद इन 20, ओके, कुछ इस तरह से होता है दैट द न्यूक्लियॉन मे हैव एनर्जी ग्रेटर देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई. आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम बी ई वर्सेस बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस ए कर्व. जो अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा उससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है,
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर ए इज इक्वल टू 56, भाई बोलो कौन होता है ए इज इक्वल टू 56 पे, इट इज Fe, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज 8.8 MeV पर न्यूक्लियन, यानी अगर दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का ग्राफ, देन दिस इज ही बी को नी, ही बी सी ओ नी, एंड देन वी हैव Fe, और यहाँ से फिर कम हो जाती है एनर्जी, इस पॉइंट पे जो Fe की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इट इज 8.8 MeV पर न्यूक्लियन, ओके पर न्यूक्लियन यहाँ पे एनर्जी दी है, तो देन दिस विल बी 8.8 MeV पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन यानी यहाँ पे A लिखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का कर्व, उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। दिस एम सी क्यू वॉज आस्क्ड इन एम्स 2014, ओके, और डी सी ई 2003। क्वेश्चन में ऐसा है द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, वर्सेस मास नंबर, उसका रिलेशन इन चारों ग्राफ में से कौन सा होगा। सो देखते ही पता चल जाएगा ए इज आंसर, ओके, ये तीन तो है ही नहीं, ऐसा कहा हम लोगों ने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस में देखा ही नहीं है। आगे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। सी व्हेनेवर, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो, दैट टाइम एनर्जी आइदर इज एब्जॉर्ब्ड और इट इज रिलीज्ड, ओके, उसी को बोलते हैं क्यू एनर्जी। सो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब होना या फिर रिलीज होना ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज Q value of nuclear reaction, okay? आगे देखते हैं Q value कैसे find किया जाता है, mass of reactant minus mass of products, okay? जैसे इसका एक example मैं आपको बताऊंगा, जैसे A plus B suppose gives C plus D, okay? So इसे बोलते हैं reactants and इसे बोलते हैं products, उन दोनों के difference का जो भी answer आएगा उसको अगर हम लोग C square के साथ multiply कर दे, then we will get द क्यू एनर्जी, ओके, वो एनर्जी मिलेगी वो जूल के टर्म्स में होगी। सिमिलरली ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट, अगर मास डिफेक्ट फाइंड करना हो तो मास इस तरह से फाइंड किया जा सकता है, उसे बोलते हैं ए एम यू यानी एटोमिक मास यूनिट। तो जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट, ए एम यू को कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 931.494, ओके, तो एनर्जी डायरेक्टली हमको एम ई वी में मिल जाएगी, ओके। अब देखते हैं अलग अलग क्यू वैल्यू यानी एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर रिलीज हो रही हो, दैट केस क्यू वैल्यू कैसी होगी। इफ़ क्यू इज लेस देन जीरो, क्यू का जीरो से कम होना यानी मीनिंग क्या होगा, क्यू इज नेगेटिव, ओके, अगर क्यू नेगेटिव हो देन दैट रिएक्शन इज सेड टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यस क्यू, व्हेन क्यू इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, एक्चुअली ये वाला जो फैक्टर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर। चेन रिएक्शन में जब चालू हो जाए, इमेजिन करो कि भाई ये एक अपना वो कोर वाला रीजन है, कोर वाले रीजन में दिस इज सपोज अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, इट इज कोलाइडिंग विद यूरेनियम, यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू रफली टू इक्वल पार्ट्स, जैसे एक पार्ट हो गया दूसरा पार्ट हो गया, उसके साथ दूसरा क्या रिलीज होता है, रफली 2.5 न्यूट्रॉन्स। इस केस में हम लोग मान लेते हैं, मान लो कि दिस आर थ्री न्यूट्रॉन्स विच आर रिलीज, एक दो एंड थ्री, इस थ्री न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, ये तीन न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, वापस किसी दूसरे यूरेनियम के साथ टकराएंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही यूरेनियम था, सेकंड केस में तीन यूरेनियम न्यूक्लियर के साथ कोलाइड होता है, एज अ रिजल्ट द एनर्जी गेट्स मल्टीप्लाइड। सो ये रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज डिफाइंड, ओके, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसका इक्वेशन कुछ ऐसा है, के इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयन ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन का लॉस कहाँ से होगा, वो कैडमियम क्या या फिर बोरॉन के रॉड्स जो होते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, इट विल एब्जॉर्ब द
एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी अगर ये मान लो कि अगर हमको चाहिए भाई ये वन न्यूट्रॉन कोलाइड हुआ एक यूरेनियम के साथ, उसके साथ ये तीन रिलीज हुए, तीन बाकी तीन के साथ रिलीज हो रहे, अगर ये कैडमियम का रॉड आके इन दोनों को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन कोलाइड हुआ ओके उसकी मदद से तीन हुए लेकिन दो तो चले गए, तो बचा कितना, एक एक ही आगे जाएगा, यू कैन से इन दैट केस द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बिकम्स वन ओके, सो के इज इक्वल टू वन, तो क्या होगा द चेन रिएक्शन विल बी स्टेडी। इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई एक तीन न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे यानी एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन ऐसा होगा जो आगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को चलाएगा पर वन न्यूक्लियॉन्स इंसिडेंट, वन न्यूट्रॉन इंसिडेंट। आगे देखते हैं इफ के इज ग्रेटर देन वन तो क्या हो जाएगा, द चेन रिएक्शन एक्सेलरेट्स एंड इट रिजल्ट्स इन द एक्सप्लोजन ओके, यानी ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा निकलते जाएंगे तो क्या होगा, द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन विल बी अनकंट्रोल्ड, ठीक है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इफ के इज लेस देन वन चेन रिएक्शन ग्रेजुअली कम्स टू हॉल्ट, यानी जितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे उससे ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब हम लोग कर ले तो आगे जाके न्यूट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आगे देखते हैं इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू एन लेमडा इज इक्वल टू आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी और ऑल्सो वी कैन से इट इज द इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी ओके। याद रखना ये वाला इक्वेशन भी एन इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज एन जीरो ई रेस टू माइनस लेमडा टी, वेर एन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेनिंग एट टाइम टी, एन जीरो इज वॉट, इट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सिमिलरली एक्टिविटी के टर्म्स में इक्वेशन ये है आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई जीरो ई रेस टू माइनस लेमडा टी, दिस ऑल आर द इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा ये वाला याद रखना खास, ये बहुत काम आता है, जैसे मान लो यहाँ पे वी कैन राइट टाइम और यहाँ पे हम लोग नंबर लिख देते हैं, टाइम जब जीरो हो तब नंबर कितने हैं एन जीरो, टाइम जब टाउ हाफ हो जाए व्हेन इट बिकम्स टाउ हाफ नंबर कितने हो जाएंगे, इट बिकम्स एन जीरो बाय टू, व्हेन इट बिकम्स व्हेन द टाइम इज टू टाइम्स टाउ हाफ नंबर कितना हो जाएगा, इट बिकम्स एन जीरो बाय फोर। सिमिलरली इट व्हेन इट बिकम्स थ्री टाइम्स टाउ हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन जीरो बाय एट। एक तरह से ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड डिनोमीटर में जो वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे वन टाइम्स टाउ हाफ है इसलिए यहाँ पे टू रेस टू वन है, यहाँ पे टू टाइम्स टाउ हाफ है सी दिस इज टू, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक्चुअली वी कैन राइट इट इज एन जीरो बाय टू का स्क्वायर, देखो यहाँ पे थ्री टाइम्स टाउ हाफ तो वी कैन राइट इट इज एन जीरो बाय टू रेस टू, क्या यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे वी कैन राइट इट इज थ्री। तो सिमिलरली व्हेन इट इज एन टाइम्स टाउ हाफ तब वैल्यू क्या होगी, इट विल बी एन जीरो बाय टू रेस टू एन। इसके ऊपर से फॉर्मूला ये बन सकता है दैट व्हेन टी इज इक्वल टू एन टाइम्स टाउ हाफ एट दैट टाइम एन की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी एन जीरो बाय टू रेस टू एन। ये वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत काम में आ सकता है। आगे देखते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम फॉर विच टाइम, यानी एक ऐसा टाइम टी इज इक्वल टू टाउ हाफ होगा, कब होगा भाई, व्हेन नंबर बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल नंबर, या फिर एक्टिविटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी, या फिर मास ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मास, ठीक है, तब जाके ये टाइम जो होगा इट विल बी हाफ लाइफ टाइम ओके। हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन एक ये भी है, टाउ हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्ब्डा, इसमें लैम्ब्डा को क्या बोलते हैं, लैम्ब्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट ओके, लैम्ब्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। आगे देखते हैं मीन लाइफ टाइम, ये एक ऐसा टाइम है, वी कैन से टाइम बिकम्स मीन लाइफ टाइम, टाइम बिकम्स मीन लाइफ टाइम टाउ कब बनेगा, जब नंबर हो जाएगा एन जीरो बाय ई ओके, व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बिकम्स ईथ पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल नंबर, या फिर एक्टिविटी बिकम्स ईथ पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी, या फिर मास बिकम्स ईथ पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल मास, देन द टाइम इज सेड टू बी मीन लाइफ टाइम ओके। इसका टाउ हाफ के साथ भी रिलेशन है, सी ये जो है टाउ उसकी वैल्यू होती है वन बाय लैम्बडा, टाउ हाफ की वैल्यू क्या होती है, इट इज 0.693 बाय लैम्बडा, तो वी कैन से दैट टाउ हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स टाउ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाउ हाफ एंड टाउ ओके। लेट्स सी नेक्स्ट।
एक एग्जांपल करा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, इट्स एवरेज लाइफ, इसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। ओके, सो एवरेज लाइफ क्या होती है? तो वी कैन से एवरेज लाइफ इज टाउ, याद रखना एवरेज लाइफ बोलो या मीन लाइफ बोलो, दिस एवरेज इज नथिंग बट मीन। तो यहाँ पे एवरेज लाइफ बोलो या मीन लाइफ बोलो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे ये टाउ की वैल्यू क्या होगी? टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। ओके, चलो टाउ की वैल्यू है 1 बाय लैम्बडा, हमको लैम्बडा की वैल्यू भी नहीं पता, और फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है हमको मीन लाइफ टाइम। ओके, वो टू फाइंड आउट टाउ, और डेटा क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। चलो टाउ हाफ का इक्वेशन क्या होता है? तो टाउ हाफ होता है 0.693 बाय लैम्बडा। ओके, ये टाउ हाफ हमको रेडीमेड दिया हुआ, इट इज 1600 ईयर्स, यहाँ पे लिख देंगे 1600 इज इक्वल टू 0.693 इनटू सी 1 बाय लैम्बडा। ये जो है ना लैम्बडा नीचे की तरफ, जब वी कैन से इट इज एक्चुअली 1 बाय लैम्बडा, तो हम लोग बोल सकते हैं टाउ। ओके, सो देयर फॉर टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट बिकम्स 1600 बाय 0.693। एग्जाम में कैलकुलेटर ना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये 1600 बाय 0.7 बोल सकते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, यानी 16000 बाय 7 करो, 7 2 14 होता है ना यहाँ पे, या तो 2 के आसपास कुछ आंसर आएगा, 2 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2319, सो आवर आंसर विल बी 2319 ईयर्स। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एटम इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइव्स? ठीक है, 5 हाफ लाइव्स के बाद कितना नंबर बचेगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, सो टाइम कितना है यहाँ पे? इट इज 5 टाइम्स टाउ हाफ, तो नंबर कितना बचेगा ये फाइंड करना है। याद करो हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर कितना होता है, इट इज n0 बाय 2 रेज टू n, और ये n की वैल्यू क्या होती है? इट इज t बाय टाउ हाफ। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे डाल देते हैं, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट बिकम्स 5 टाइम्स, ये टी जो है ना, टी की जगह मैं ये रख रहा हूँ। ओके, 5 टाइम्स टाउ हाफ, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स टाउ हाफ बाय टाउ हाफ, ये कट हो गया, वी गेट 5। इसका मतलब ये हुआ दैट द नंबर विल बी एन इज इक्वल टू n0 बाय 2 रेज टू 5। तो आंसर क्या होगा? इट विल बी n0 बाय 2 रेज टू 5, यानी इट विल बी 32। परसेंटेज में फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? n0 बाय 32 इंटू 100, ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में होगा। 100 बाय 32 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वी हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, आंसर विल बी 3.125। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स 200 पार्टिकल्स पर सेकेंड, कितने एमिट कर रहा है वो? 200 पर सेकेंड। तो मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? इसकी इनिशियल एक्टिविटी है आई इज इक्वल टू 200, आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट। आफ्टर 3 आवर्स, ओके, 25 पार्टिकल्स पर सेकेंड आर एमिटेड। सी दिस इज इनिशियल एक्टिविटी, इसको मैं आई जीरो बोल देता हूँ, और थोड़ी देर के बाद कितनी हो जाती है? इट बिकम्स 25। कितने टाइम के बाद? टी इज इक्वल टू 3 आवर्स के बाद। इसे हमको फाइंड करना है इसका हाफ लाइफ टाइम। ओके, वी वांट टू फाइंड आउट इट्स टाउ हाफ विद द हेल्प ऑफ दिस मच डेटा। याद करो इक्वेशन क्या होता था, सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, एन क्या होता है? इट इज ए टी बाय टाउ हाफ, यहाँ पे एन क्या है वो भी हमको नहीं पता, तो चलो एन फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। सी ये जो मेथड होगा वो ज़्यादा ईजी रहेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्टिविटी और यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम। इनिशियल एक्टिविटी है आई जीरो, तब टाइम है जीरो, जब एक्टिविटी हो जाती है आई जीरो बाई टू, सी एक्टिविटी इनिशियल हमको पता है कितनी, इट इज 200, तो मैं 200 के मल्टीपल्स में ले लेता हूँ, 200 के बाद कितना आएगा? इट विल बी 100, जब 100 होगा तो टाइम कितना होगा? एट दैट टाइम कैन से इट इज टाउ हाफ, इट विल बी टाउ हाफ। जब ये 50 हो जाए तब ये कितना होगा? इट विल बी 2 टाइम्स टाउ हाफ। जब ये 25 हो जाए एट दैट टाइम ये कितना होगा? इट विल बी 3 टाइम्स टाउ हाफ। जब 25 हो जाए तब टाइम कितना दिया हुआ है हमको? टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। ओके, इट मींस
3 times tau half is equal to 3 hours. Therefore, 3 times tau half is equal to 3. So, tau half kitna ho gaya? It becomes 1 hour. 1 hour yani kitna hota hai? 60 minute. So, answer ho gaya humara 60 minute. Okay. Is method se bhi find karna ho to ho sakta hai. Aap log mujhe find karke uska image zarur se share kijiyega. Let's see next. Yeh AIEEE 2010 ka numerical. See, generally kabhi kabhi aisa hota hai ki yeh कुछ MCQs है वो रिपीट हो जाते हैं. I have too many examples of this one. सबसे पहले देखते हैं ये 2010 में क्या पूछा हुआ है. Initially mass number दिया हुआ है element का A और atomic number दिया हुआ है Z. Three alpha particle release हो रहे हैं and दो यहाँ पे position लिखा but actually यहाँ पे आना चाहिए proton. ठीक है, यहाँ पे proton. I am correcting this thing. These are protons. Okay, protons. The ratio of number of neutrons to that of protons in final nucleus कितना होगा ये find करना है. यानी हमको find करना है कि finally number of neutrons upon number of protons. Okay, यानी z. तो finally n by z कितना होगा ये हमको find करना है. So let's see. सबसे पहले element को imagine करते हैं x. Okay, उसमें से अगर 3 alpha particle x का ये total number of nucleons is A, number of proton is Z, इसमें से 3 alpha particle बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा Y. सी एक alpha निकले तो 4 number of nucleons कम हो जाते हैं. यहाँ पे 3 है तो 4 3 सा कितना होगा 12. नेट यहाँ पे हो जाएगा A minus 12 और यहाँ पे क्या 12 हो ना. ओके, तो उसका आधा नीचे लिख देना है, कितना हो जाएगा Z minus 6. ओके, so this was the first step जिसमें 3 alpha particles बाहर निकले. इसके बाद अगर कोई एक element बन जाता है y1 suppose. अब ये element कब बना, जब 2 proton release हुए. ठीक है, अगर 2 proton release हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ these are 2 only protons बोला हुआ है. proton release होंगे तो कि z कितना हो जाएगा. see पहले कितना था, it was z minus 6. अगर 2 proton release हो गए तो कितना हो जाएगा, it becomes z minus 8 और ऊपर कितना होगा, it will be a minus 12. इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, so सिर्फ प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है. so in that case इसी ये जो है ये z की वैल्यू क्या होगी, पहले कितनी थी, it was z, finally कितनी हो जाएगी, it becomes z minus 8. तो हमको find करना है finally z कितना होगा. finally z कितना हुआ, it is z minus 8. इससे पता चला डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, इट शुड बी z माइनस 8. अब ये z माइनस 8 वाला ऑप्शन इन चारों में से कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा है इट इज z माइनस 8. सो आंसर विल बी a माइनस z माइनस 4 बाय z माइनस 8. ओके, आप लोग जो न्यूमरेटर है वो भी इसमें चेक कर सकते हो. आगे देखते हैं 2007 का न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू सॉरी. इन गामा रे एमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस, अगर गामा रे बाहर निकल रही हो तो क्या निकलेगा. गामा तो सिर्फ रे है, इट इज नॉट अ पार्टिकल. अगर ये पार्टिकल नहीं है, ये अगर न्यूक्लियन नहीं है, तो इस केस में न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन भी चेंज नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा, इट विल बी सी, देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन में देखो कहीं ना कहीं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर चेंज किया हुआ है. सो आंसर विल बी देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर. और एक देख लेते हैं 2006 का एमसीक्यू. इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एलआई, ठीक है, एलआई की बाइंडिंग एनर्जी पर, याद रखना अभी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी है बट क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. पर न्यूक्लियन का मीनिंग क्या होगा, एक न्यूक्लियन के लिए एनर्जी है 5.6. तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियन है टोटल, 7. तो एनर्जी कितनी होगी एलआई की, वी कैन से एलआई की एनर्जी होगी 7 × 5.6 MeV. ओके, सिमिलरली ये हीलियम जो दिया हुआ है, ठीक है, दिस हीलियम, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दी है, इट इज 7.06. अगर 7.06 पर न्यूक्लियन हो तो उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी हीलियम की, इट विल बी 4, बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है 4. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर 4, तो 4 × 7.06 MeV. अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो एल आई और एच ई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से टोटल एनर्जी कितनी होगी ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस सी दिस इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ कुछ ऐसा, इक्वेशन इज पी प्लस एल आई
73 गिव्स 2 टाइम्स HE 42. इसमें हमको फाइंड करना है द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यानी ये जो है ना, ये प्रोटॉन दिया हुआ है यहां पे, प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है. सो प्रोटॉन की एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन लिखता हूं यहां पे, पी प्लस एल आई. ओके, न्यूक्लियॉन्स में नहीं लिख रहा, कितने प्रोटॉन्स में नहीं लिख रहा, गिव्स 2 टाइम्स HE 24 यहां पे डिफॉल्ट में समझ लेना. तो एनर्जी अगर इसकी फाइंड करनी हो, ओके, वी वांट टू कैलकुलेट दिस एनर्जी. सो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वही वाला क्यू एनर्जी वाला इक्वेशन यूज करना है. वे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड अगर पोर्शन देखे तो टोटल एनर्जी कितनी है. सो प्रोटॉन की एनर्जी नहीं पता, इसको हम लोग ई मान लेते हैं. एल आई की एनर्जी कितनी है टोटल, इट इज 7 × 5.6, देखो ये रहा, ओके, इट इज 7 × 5.6 इज इक्वल टू डाल दो 2 टाइम्स एच ई की एनर्जी कितनी है, इट इज 4 × 2 × 4 × 7.06. ओके, सो विल गेट ई इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो वी गेट 2 × 4 = 8, 8 × 7.06 − 7 × 5.6. ओके, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा एंड द आंसर विल बी 17.28. ठीक है, कैलकुलेशन से ही आपको ये आंसर मिलेगा. आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे. आपको अगर कोई भी डाउट लग रहे हो फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर या कहीं पे भी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है. सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच. ओके.